आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है फैजल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं फैजल जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। रात का खाना खूब मजे से खाने के बाद मैं इधर उधर टहलने लगा। क्या है कि मैं अपने मामा के घर काफ़ी दिनों के बाद आया था, जिस वजह से आज खाने में मेरी मनपसंद बिरयानी बनी थी। अभी मैं टहल ही रहा था तभी नानी ने अपने पास मुझे बुलाते हुए कहा, ये ले इसमें नाना जी का खाना है, वो खेतों में ही होंगे, उन्हें देकर आ। इस पर मैंने हिचकिचाते हुए बोला, मैं जाऊं, और मैं खेतों की तरफ जाने के लिए निकल गया। इतने बड़े रास्ते पर एक भी लाइट नहीं थी, और तो और उस सुनसान रास्ते पर सिवाय मेरे कोई परिंदा भी नहीं था। मैं तेज कदमों से खेतों की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, मांस दे मुझे। इस आवाज को सुनते ही मेरा शरीर पानी छोड़ने लगा। इससे पहले मैंने इतनी भयानक आवाज कभी नहीं सुनी थी। मैंने अपने आसपास चारों तरफ नजरें दौड़ाई पर मुझे वहां अंधेरे के अलावा कोई नहीं दिखा। अब मैं काफी डरने लगा था और मेरी धड़कनें भी काफी तेज हो गई थी। मैं वहां से कुछ दूर ही गया था कि फिर से मुझे वही आवाज़ आई। उसी आवाज़ को दोबारा सुनकर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजन मैं वहाँ से तेज़ी से भागकर नाना जी के पास पहुँचा। नाना जी के पास पहुँचते ही मैं डर से रोने लगा और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद पहले तो नाना जी ने मुझे शांत कराया, फिर नाना जी ने अपने खाने में से मांस के कुछ पीस और थोड़े से चावल निकालकर जमीन पर रख दिए। मांस और थोड़े से चावल जमीन पर रखते ही एक बड़ा ही भयानक सा आदमी मांस और थोड़े से चावल को खाने लगा। उसकी लाल सुर्ख आँखें और भयानक चेहरा देखकर मैं सकपका गया। मेरे मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी। खाने के बाद वो शैतान वहाँ से गायब हो गया। उसके गायब हो जाने के बाद नाना जी मुझे घर लेकर आए। पहले तो नाना जी ने नानी को काफ़ी डांट फटकार लगाई, फिर मुझे बताया कि अगर उस वक्त मैं उस शैतान को खाना नहीं देता तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी फैजल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।